नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। एक ही जमीन पर चली दो दो योजनाएं, एक भी नहीं हुआ पूरा, जमीन दान करना नहीं हुआ सार्थक। बछवाड़ा बेगूसराय में अपनी गाढ़ी कमाई से अर्जित की गई जमीन सामाजिक विकास के उद्देश्य से ग्रामीणों ने दान कर दी थी, मगर सरकारी अधिकारी व सामाजिक विकास के ठेकेदारों ने उक्त जमीन को कमाई का जरिया बना लिया। पर समाज को सुविधाएं तो मिली ही नहीं, भूदानदाता की सार्थकता भी लोभियों की भेंट चढ़ गई। बताते चलें, बछवाड़ा प्रखंड के चिरंजीवीपुर पंचायत के पंडित टोल के भूदानदाता ने गांव में शैक्षणिक एवं कृषि विकास के उद्देश्य से अपनी बाप दादाओं की गाढ़ी कमाई से अर्जित की गई जमीन को चंद मिनटों में ही दान कर दिया। वित्तीय वर्ष 2005-06 में तत्कालीन विधायक रामदेव राय के अनुशंसा पर क्रियान्वयन एजेंसी कार्यपालक अभियंता बेगूसराय के द्वारा 2,00,000 रुपए का प्राकलन का मापदंड बनाकर किसानों का भवन निर्माण शुरू किया गया। गांव में किसान भवन के निर्माण कार्य से ही स्थानीय किसानों में खुशी की लहर के साथ एक नई आस जगी थी। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों द्वारा देखे गए सपनों पर ग्रहण लग गया। निर्माण कार्य आज तक अधूरा पड़ा है। निर्माण एजेंसी व पेटी कॉन्ट्रैक्टर सरकारी खजाने से राशि की गोलमाल कर भाग गए। अधूरा पड़ा किसान भवन आज भी उद्धारक की बाट जोह रहा है। निर्माणधीन भवन के प्राकलन बोर्ड लिखे गए विधायक जिला पार्षद अरविंद चौधरी व पूर्व मुखिया भोला शर्मा का नाम स्थानीय किसानों को मुंह चढ़ाती प्रतीत होती है। इसी भूखंड पर वित्तीय वर्ष 2012-13 में तत्कालीन जिला पार्षद रामोद कुंवर के अनुशंसा पर पुस्तकालय भवन का निर्माण शुरू किया गया। क्रियान्वयन एजेंसी जिला अभियंता जिला पार्षद बेगूसराय में मापदंड बनाकर प्राकलन राशि 7,476 रुपए का प्राकलन निर्धारित कर दिया। पुस्तकालय के निर्माण शुरू होने से गांव में आम लोगों सहित छात्र नौजवानों व बुद्धिजीवियों ने पुनः आशा की किरण जागृत हुई। भूदानकर्ता ने बताया कि किसान भवन नहीं बना तो कोई बात नहीं, कम से कम शैक्षणिक विकास तो संभव हो सकेगा, मगर भूदानकर्ता के लक्ष्य को जिला पार्षद भी सार्थक नहीं कर सके। अब नतीजा यह है कि विगत 8 वर्षों से पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा है। ग्रामीण युवा प्रशांत झा कहते हैं कि भूदान करने वाले की लाखों रुपए की जमीन भी चली गई, सरकारी खजाने से राशि भी निकल गई और ठेकेदार व विभागीय अधिकारी इस जमीन से मिलाई भी मार ले गए, मगर गाँव के लोगों को कुछ नहीं मिला। चुनाव के बाद अगर जिला प्रशासन के द्वारा भवन निर्माण की राशि का बंदरबांट करने वाले को सजा देते हुए भवन निर्माण की दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया तो हम ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं। लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष कारी झा, अजय झा, दिलीप झा, कुंदन झा, सोनू झा, रामप्रीत शाह, सुबोध सुमित, सनातन महतो, अविनाश कुमार, भैरव कुमार समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। बेगूसराय बछवाड़ा से राकेश यादव की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आज हम ग्रामीणों के द्वारा एक अहम मुद्दे को उठाया गया, जिसमें हमारे ग्रामीणों के द्वारा इस बात पे चर्चा हुई कि यहाँ पे आज 6 साल से पुस्तकालय का निर्माण हुआ है जो अर्ध निर्मित अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी कोई देख रेख नहीं हो रही है, और पीछे जो 10 से 12 साल पहले जो हमारा किसान भवन बना हुआ है वो भी जर्जर स्थिति में है। लेकिन यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ लोग पुस्तकालय और किसान भवन को अतिक्रमित किए हुए हैं। यहाँ पे पानी टंकी या जिस प्रकार से यहाँ पे लोग अतिक्रमण का ये चलाए हुए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, ताकि जितने भी ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यही एक हमारे मोहल्ले का यही एक सामुदायिक भवन है। इसे सामुदायिक भवन ही कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ किसी के पास विशेष जगह नहीं है कि कुछ उस प्रकार की बातें बैठ के कर सके या मीटिंग कर सके। उसके लिए हम लोग यहीं पे आना चाहते हैं, और हमारे साथ कुछ जीविका के हैं जिनके यहाँ अभी जिनके साथ काफ़ी समस्या है, और वो भी यहीं पे आके मीटिंग करना चाहते हैं। लेकिन हालात ये हो रखी है कि इसे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। किस समाज की बात करते हैं? ऐसे समाज में इस चीज़ का विकास नहीं होना, हमारा समाज कहाँ तक विकसित हो चुका है? और जब भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हमारे आवाज़ को दबाया जाता है, और आवाज़ उठाने के बाद भी इस चीज़ का फिर से निर्माण नहीं किया जाता है। अतः हमारी मांग है और हमारे तरफ से हमारे ग्रामीणों की मांग है कि इसे फिर से निर्माण करके और इसे चार दीवारी किया जाए, ताकि हमारे ग्रामीण को और हमें या हम लोगों को यहाँ पर बैठकर मीटिंग करने में सुविधा हो, या किसी प्रकार की
बातें हो जो यहाँ पर बैठ कर कर सके, यही हमारी मांग है। इसी के साथ हम प्रशांत कुमार झा, छात्र लोजपा जिला उपाध्यक्ष। मेरा नाम अंजना वर्मा है, मैं चिरंजीपुर पंचायत की सीएम। मेरे ग्राम संगठन का जो है उजाला जीविका महिला ग्राम संगठन का भी वो मीटिंग होता है, उसमें अभी पानी लगा हुआ है जहाँ मीटिंग होता है, इस कारण हमें दिक्कत होता है। हम लोग सोचे यहाँ पे करेंगे सब दीदी मिलके, तो दीदी लोग यहाँ साफ करवा देगी, सब बोले कि जो नहीं हो सकता है साफ, उसमें सामान रखा हुआ, इसीलिए हमको अनुरोध है साफ करवा के हमको दिया जाए ताकि हम मीटिंग कर सकें। श्री राम पुस्तकालय के नाम से ये जमीन दिया गया, विष्णु उसका नाम दान जो दिया गया विष्णु पुस्तकालय के नाम से है, और इसमें जबरदस्ती प्रतिनिधि लोग जो इस गांव का जो है, कोई कभी किसान भवन बना दिया तो अधूरा बना के छोड़ दिया, पुस्तकालय बना का बनाने का माइंड हुआ तो पुस्तकालय बना, आधा बना के वो ठेकेदार यहाँ से फरार हो गया, कोई ध्यान नहीं। उसके बाद प्रतिनिधि जो मन है उस पुस्तकालय में, जो मन है क्या नहीं होता है, मैंने सो बतलाइए लूट फाट की, मैंने मन इस जगह का कोई अच्छी रखबे नहीं किया है, कोई पानी टैंक कुछ बैठा देता है, कोई कुछ बैठा देता है, पुस्तकालय का नाम जर्जर स्थिति बना हुआ है। यहाँ का जो भी प्रतिनिधि आता है लूट फटंग करने के लिए, लूट ले जाने के लिए योजना, पुस्तकालय बना आधा पर ही आधारित है, न खिड़की है न केवाड़ी है न कुछ है, जो भी बना है आधा किया और पैसा निकाल के चला गया। कौन लोग बना रहे थे? ये ठेकेदार के थ्रू, ये जिला परिषद रमूर कुमार के थ्रू आया था ये संस्था, लेकिन ये ठेकेदार के थ्रू मिला था, ठेकेदार यहाँ से फरार है। ये हम मैंने शिकायत रमूर कुमार को भी कहे थे, तो बोले कि बन जाएंगे, पिछले बार पुस्तकालय बन जाएगा, लेकिन ये बनता रहा और हम लोग सुनते रह गए। कितना दिन से लंबित है ये? कम से कम 2 बरस 2.5 बरस से ये कहानी है पुस्तकालय का, 2.5 बरस से ये कहानी है। और हमारे टीम के सभी साथियों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा एक विशेष मुद्दा को उठाया गया, और ये मुद्दा यह है कि हमारे गांव में ये कई सालों से यहां पे किसान भवन और ये पुस्तकालय है जो अर्धनिर्मित अवस्था में है, और इसका अर्धनिर्मित रह जाना यहां के ग्राम प्रधान पे, यहां के एमएलए पे, या यहां के जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से इसे बनना चाहिए था, उस पर सवाल या निशान खड़ा करता है, क्योंकि किसी भी गाँव की आधारशिला यही सरकारी इमारत, सरकारी भवन या सड़कें होती है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ों का अधूरा रह जाना कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा कर देता है विकास की तरफ, कि हम कहाँ तक विकसित हो चुके हैं। तो इसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाए, जिस तरह से हमारे पुस्तकालय और किसान भवन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है, जिस तरह से वहाँ निर्माण रहित रह जाता है, जिस तरह से वहाँ पे मवेशियों को रखा जाता है, जिस तरह से वहाँ पे लोगों का उठना बैठना किसी प्रकार से जाना वहाँ पे दुर्लभ है, हम वहाँ पे सामुदायिक भवन पे बैठ नहीं सकते हैं, वहाँ पे हम बातें नहीं कर सकते, वहाँ पे 10 बच्चे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, तो फिर इस तरह की भवन का निर्माण और अर्धनिर्मित रह जाना क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं ये अभी भी हमारा गाँव जो है सो अविकसित की ओर है, अभी भी अविकसित है। इसलिए हम सारे ग्रामीणों की तरफ से और हमारी ओर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस इमारत को फिर से निर्माण कर 4 दीवारी करने की कृपा करें, यही हमारी मांग है और यही हमारा उद्देश्य।